हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कभी आप लोग बताते नहीं कैसे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, आप कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो गलत बात नहीं करना है, कोशिश करना है। चलिए DLED का तीसरी क्लास देखते हैं, थर्ड सेमेस्टर की थर्ड क्लास। बहुत अच्छा आज है, शायद सही है। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था घातांक का नियम, और घातांक वाले बहुत सारे सवाल हम लोगों ने देख लिए थे, छोटे बड़े बुढ़े जवान, है ना। तो आज क्या करेंगे, आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, उसको ध्यान से देखना। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, 3 का पावर 7 × 3 का पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़ते थे 3 का पावर 7 + 2 = 3 का पावर 9, ये पढ़ते आए हैं ना, ये हो गया आंसर। तो ये सब तो बात की बात है, पहले इसका जवाब तो जल्दी से भुलवाओ ना आप लोग। कितना आएगा ABC, कितना होगा फर्स्ट में? अगर A सही है तो 1A लिख देना, अगर B सही है तो 1B, अगर C सही है तो 1C। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मन ही मन गाली दे रहे हैं कि उत्तर तो नहीं बता रहा भाई, बस बके बक बोले जा रहा है। चलो देखो इधर, ये -2/5 है, इसका क्या घात है? 5। 5 तो है नहीं, कुछ गड़बड़ है यार, 5 नहीं है, वो नीचे 3 है, घात तो 5 है, सही है, ठीक है, ये 3 है। देखिए एक बात ध्यान से, जिसकी जितनी घात होती है उसको उतना बार गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर 3 का घात 2 लगाते हैं, इसका मतलब जो होता है वो 3 × 3 = 9 होता है। जानते हो ना इसको, पहले से पहचानते हो ना? कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे बट पहचानते नहीं होंगे, तो दोनों करना। वैसे इसको क्या करोगे, -2/3 × -2/3 × -2/3 × -2/3। अभी 4 बार हुआ है, अभी नहीं 3, देखो 5 बार हो गया ना। बस यही गुणा कर लेना है, सभी को मिला करके जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा प्यारा सा, और आएगा तो है कुछ ना कुछ, ध्यान से देखना। देखिए साथियों, इसको गुणा करेंगे तो आप सभी लोग जानते हो, काफ़ी पढ़े लिखे समझदार हो, है ना। 2 का अगर 5 बार आप गुणा करोगे तो 2 × 5 = 10 नहीं होगा, हाँ याद रखना, 2 × 5 = 10 नहीं होगा, और 3 × 5 = 15 नहीं होगा। देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको 10-15 उत्तर दिया गया, जिससे कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाए इसमें। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, कुछ इस तरह से आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। और अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, भाई चिन्ह उन्ह कहाँ गया, चिन्ह का टेंशन छोड़ दो। 3 × 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, और 81 को 3 में गुणा कर लो ऐसे चुपके से, तो ये 3 × 8 = 24, 243 आएगा। कुछ लोगों के मन में गूंज रहा होगा कि माइनस कहाँ चला गया, तो मैं आपको बता दूं, अगर घात विषम संख्या होती है तो उसका उत्तर माइनस में आता है, अगर घात सम संख्या होती है तो उसका उत्तर प्लस में आता है। इस बात को याद रखो, मंत्र है एक प्रकार से, ये याद रखना बस। अगर इसकी घात, ये तो उत्तर हो गया, काम खत्म हो गया, इसका जो ऑप्शन है B सही हो गया, ठीक, इतना क्लियर। अब एक दूसरा बात समझना, एक बात में कई बात समझो, ठीक है। और अगर आप पूरी क्लास देखते हैं DLED की, तो गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि आप पूर्णांक पाएंगे एग्जाम में, पूर्णांक। पिछले हमारे PVR स्टडी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने DLED के सेकेंड सेमेस्टर में 25 में 25 मार्क्स हासिल किया है, तो क्या थर्ड में नहीं पाओगे क्या? ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो पढ़ाएंगे नहीं, घोल कर पिला देंगे एकदम जी, बस हजम करना होगा आपको, हजम कर ले जाना। देखो इसका घात 101 कर दिया ना, अब इसका उत्तर क्या आएगा इससे हमें नहीं मतलब, लेकिन जो आएगा वो माइनस में आएगा, ये हम कह सकते हैं पूरे दावे के साथ। अगर इसका घात हमने 1000 कर दिया, इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, कुछ भी आएगा इससे हमसे नहीं मतलब, इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पर ये देखो विषम संख्या हो गई, अब इसका उत्तर जो आएगा वो माइनस आएगा, ये बात याद रखना, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, सबसे बताता नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों से बता रहा हूँ। हाँ आगे चलें, ये तो हो गया आपका पहला सवाल, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने छाप लिया होगा बहुत पहले ही। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे कोचिंग में हो, कॉलेज में हो, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, एक इंटर कॉलेज में, तो वहाँ के भी कुछ अच्छे बच्चे होते थे, जब पढ़ाओ तो वो क्या करते थे, उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं होता था,
उनका दिमाग होता था कैसे लिखें, जैसे लिखें फट से हम छाप लूँ, बस तीन लिखा तो वे अपने कापी में तीन तुरंत लिख लें। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, छापने वाला प्रक्रिया छोड़ दो, अगर एक बार समझ जाओगे ना इसको खुद लगा लोगे अपने आप से, लेकिन अगर देख देख के छापते रहोगे तो लाइफ टाइम छापते ही रहोगे बाबू, फिर छापने वाले बन जाओगे, तो ऐसा मत करना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर इस हमारे पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर क्या कह रहा है, 3125 का घातीय संकेतन क्या है, 3125 का घातीय संकेतन क्या है। देखो लाइट चली गई है, लाइट चली गई है तो इस बुरे समय में भी साथ दीजिएगा। दिख तो रहा है ना, वैसे काफ़ी दिख रहा है, लैपटॉप का थोड़ा सा स्क्रीन चमक रहा है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये लो, बस थोड़ा सा हल्का ब्लैक दिख रहा होगा, कोशिश करना बस, ना कष्ट ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सिचुएशन के हिसाब से लाइनें याद आती रहती हैं। देखिए इधर इसका ऑप्शन क्या है, लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, थोड़ा थोड़ा सा कष्ट और तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हम अक्सर क्या करते हैं, पंखा बंद करके ही पढ़ाते हैं जिससे आपको आवाज़ एकदम क्लियर हो। वैसे हमारी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि अच्छी हो जाए, काश, है ना। हाँ, ऑप्शन देखना, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, हाँ एक ही लगा लो, 5। आ गया आंसर, बहुत से स्टूडेंट्स का आ गया होगा जिन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने कोशिश ही नहीं किया उनकी तो बात ही जानिए, छोड़िए, राम भरोसे हैं वो। देखिए इधर क्या करोगे, इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे ज़्यादा नहीं आता, हिंदी में जान लो, सीधा सीधा देसी भाषा में गुणनखंड बोलते हैं, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करोगे, 3125 का फैक्टराइजेशन ही बोला जाता है शायद, फैक्टर निकालते हैं, ठीक ना। तो इसको 5 से काटोगे, लेकिन क्यों काटोगे 5 से, आप लोगों का सवाल होना चाहिए, 2 से काहे नहीं काटेंगे, 2 से भी तो काट सकते हैं ना। हाँ काट सकते हो, लेकिन 2 एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, नहीं पहचानते हो तो बताना, सम विषम कैसे पहचानते हैं। तो कभी भी सम संख्या से विषम संख्या या विषम से सम नहीं कटती है, ये इनका बहुत पुराना दादा के ज़माने का लड़ाई होती है, ठीक ना, ये कभी कटेंगे नहीं। हाँ तो 5 से काटें क्यों, 3 से भी तो काट सकते हैं ना, काट सकते हैं 3 से, तो 3 की घात लग जाएगी, लेकिन ऑप्शन देखिए 5 के घात में बनाना है, तो हमें 5 से ही काटना है। हाँ 5 से ही काटना, 3 से मत काटना। तो 5 से काटोगे, 5 6 30, और ये 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटोगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटोगे, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटोगे, 5 5 25, और फिर 5 से 5 1 5। क्लियर बात समझ में आई ना। अब क्या करोगे, अब आप फाइनल में यहाँ पर लिखोगे 3125 इक्वल, देखो 3 5 बार 5 कटा है ना, कितनी बार, 5 बार 5, तो ये हो क्या हो जाएगा, 5 का घात 5, बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो भी ये लगा लो। अगर तरीका मालूम रहेगा तो परीक्षा में राम और अल्लाह का नाम लेके टिक नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं मालूम रहेगा तो फिर भगवान भरोसे रहोगे, तो फिर भगवान भरोसे नंबर भी मिल जाएगा, ठीक ना, बात समझ रहे ना। इसलिए चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं, रटा नहीं जाता, समझा जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। आ रही तो कुछ लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है, आजकल कलयुग के ज़माने में बिना रोए बच्चा दूध भी नहीं पाता है, तो बस बता देते हैं, जल्दी करिए आप लोग, तुरंत लाइक कर दीजिए और फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं तो, और जो हमारे अपोजिट हैं वो लोग जब देखते हैं तो उनको थोड़ा सा जलन होती है ना। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप क्लास को जब भी शुरू करें देखना, 1 मिनट आधा मिनट देखने के तुरंत बाद उसको लाइक कर दें, उसके बाद फिर देखते रहें, पसंद ना पसंद की बात ही नहीं है, PVR स्टडी में जो भी क्लासें होती हैं वो हमारे प्रिय स्टूडेंट्स को पसंद होती है। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था पीछे करके देख लेना, ये क्लास 3 दिन होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार को होती है, बाकी 3 दिन आप रिवीजन करते रहिए, कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस आपको करना क्या है, डेली रेगुलर देखना, कोर्स की टेंशन मत लेना, परीक्षा तक 5 बार ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। ये ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि मुझे 5 बार पढ़ाना है, एक बार ख़त्म कर दिया, बार बार देखते रहो ना आप,
ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि हम 5 बार पढ़ाएं तभी 5 बार खत्म होगा। एक बार पढ़ा दिया सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आपको मिलता रहेगा, आप देखते रहो 5 बार नहीं 1000 बार देखो। तो हुई ना बात मज़ेदार, चलो आगे। हाँ अगला सवाल, इधर देखो थोड़ा सा चमकेगा। 2 की घात 7 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, जवाब देना। 2 की घात 7 का मान क्या होगा? गर्मी लग रही है ना आप लोगों को, कहाँ से एहसास होगा? कुछ लोग तो एसी में बैठे होंगे, कुछ लोग कूलर में होंगे, कुछ लोग पंखा में होंगे। मतलब एसी में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप एसी के अंदर घुस के बैठे हो, मतलब रूम में लगा होगा। पहला ऑप्शन 49, दूसरा ऑप्शन 14, 128, 32। बात समझ में आ रही ना? 128 लिखा हूँ, थोड़ा सा अच्छी स्टाइल में लिखा हूँ बस। जवाब दीजिए जल्दी से, कोशिश करिए। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं सुनसान, जैसे लग रहा है कुछ जन्म नहीं करते, एकदम बुध हुए हैं। देखिए किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। हाँ 2 की घात 7 का मतलब देखो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ 14 दिया गया है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना आप, क्योंकि आप बेवकूफ़ नहीं हो। दुनिया में हर एक इंसान अजूबा होता है खुद में, याद रखना। हो सकता है आपको फ़ैन रिपेयर करना नहीं आता, आप पंखा नहीं बना सकते हो, आप टीवी नहीं बना सकते हो, फ्रिज नहीं बना सकते हो, लेकिन आपके पास पढ़ाई की नॉलेज बहुत अच्छी है ना, आप अच्छी क्लास तो पढ़ा सकते हो। दूसरी बात, हो सकता है आप पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है कुछ नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बहुत अच्छा सा डिजाइनिंग कर सकते हो किसी चीज़ का, तो है ना आप में एक विशेष गुण। तो बस उसी तरह सा आगे देखिए, इसका मतलब क्या होता है? 2 2 2 2 2 2, मतलब मैं कुछ देने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना बार लिखा जाएगा। ये देखो 3 3 6 अभी एक ठीक कमे था 7। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ 2 7 14 बस 14 हो गया, ये कतई नहीं हुआ। अब देखना 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 2 64 2 128, कितना आया 128। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, चला देख लो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लो, ये लो छोटा छोटा तोड़ लो। चलो ये हो गया 4, इसको गुणा कर लो 4, इसका आपस में कर लो, ये हो गया 4, इसका कर लो 4। अब तो छोटा हो गया ना, और छोटा कर लो, ये लो 4 चौका 16 4 चौका, ये हो गया 16 16 16 का गुणा कर लो। गलत हो रहा काजी, गलत कभी होना ही नहीं चाहिए। 8 बार हो गया क्या, कैसे जोड़ा बन गया? एक मिनट, 7 घात तो है ना, 7 ही घात है ना, जोड़ा नहीं बनना चाहिए, सब एक बचना चाहिए। ये देखो 2 2 4 2 6 1 7, हाँ एक मिनट, ये देखो एक जोड़ी बनी ना, ये एक जोड़ी बनी ना, ये बीच में गड़बड़ कर रहा था, ये एक जोड़ी बनी ना, ये देखो एक दो अकेला हो गया ना, हो गया ना। तो जोड़े जो बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। वही तो मैं कन्फ्यूज हो गया यार, 16 16 का गुणा करेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और ये 256 के आसपास आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 4 चौक 16 और ये 4 2 8 16 8 128 आया ना, बात समझ में आई ना। एक ही काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से आप कौन सा तरीका अपनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना आया 128 आया ना, इसमें भगवान का नाम नहीं लेना है, और जो भगवान में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, हम भी आस्था रखते हैं भगवान में, लेकिन पहले काम बाद में भगवान का ध्यान, तो भगवान खुश रहते हैं। अगर दिन रात ओम नमः शिवाय करते रहोगे ना, काम नहीं करोगे ना, तो फिर आगे मत बोलना कि क्या होगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, बाकी जो भी है वो सब खुद होता रहेगा। समझ गए ना, आप किसी भी धर्म समुदाय से हों, PVR स्टडी में हर जाति समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बस कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसको सुना है ना भगवान ने ही शायद कहा था। अगला रुकिएगा मैं भी देख लूँ अगला कहा है। 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, मिटाना पड़ेगा जी, अब की बड़ा लफड़ा है यहाँ पर। क्वेश्चन देखते जाना और करते जाना, लगाते जाना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बचा रहा हूँ, क्योंकि पहले बहुत शॉर्ट वीडियो कर देते थे, इसको रोक रोक के क्वेश्चन लिखते थे तो रोक देते थे,
तो कुछ लोगों को बड़ी आफत होती थी, भाई इतना छोटा सा वीडियो हम कहाँ पढ़ाएंगे, चलो ठीक है बड़ा सा वीडियो ले लो। मान बताओ जल्दी से। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स होता है, इसलिए एक नोट्स बनाइए, कॉपी लीजिए अच्छी से, बहुत महंगी कॉपी मत लीजिए, रफ़ी वाली ले लीजिए, ब्लैक पेज वाली ले लीजिए, मतलब धुंधला पेज वाली। लेकिन जब क्लास चले तो एक एक बात को नोट करिए, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, उसको सिर्फ बोलते हैं, वीडियो को रोक रोक कर उन बातों को भी लिखिए। एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे ना, 100% गारंटी लेते हैं यार, 100% नंबर लेके आओगे, देखना तो करके एक बार बताइए क्या होगा इसका मान। इसमें थोड़ा लैपटॉप की स्क्रीन चमकती है, चूंकि हम इधर से क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं, तब फिर आप आगे बताना। ऑप्शन देखिए फटाफट, देखते जाइए ऑप्शन क्या है। ओ इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, चलिए बताइए इसका मान ज्ञात कीजिए कैसे होगा। देखिए ऑप्शन चाहिए तो हम दे देते हैं आपको, लेकिन रहने दीजिए काहे देंगे फालतू में। तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, वो बात क्या पढ़ी होगी, घातांक के नियम में, कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने पर घातें घट जाती हैं। बिल्कुल सही बोला, देखो लाइट भी आ गई है ना। तो क्या करेंगे, देखो चमक तो नहीं रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लाइट जब आती है ना तो और तेज हो जाता है रोशनी। हाँ तो इधर देखना, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन हम पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले 3 की घात 12 * 3 की घात 7 ऐसे लिख देंगे। बोर्ड मास रूल से आपने पढ़ा होगा क्या होता है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो ये 7 से -25 घट जाएगा। या फिर ये तरीका छोड़ दो यार, ये तरीका नहीं अच्छा है, ये तरीका कुछ कम मज़ा आएगा, ये तरीका कर लो ना एक बार वाला, ये 3 की घातें, ये 12 हो गया, ये गुणा है बीच में ना, तो इसकी घात जुड़ जाएगी, इसके बीच में माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, भाग था, बस इतना लेके चलना है, कर लो प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस घट जाएगा, 12 * 7 = 19 हो जाएगा, फाइनल में आप पाओगे ये 19 - 25, और फिर क्या होगा, वही जो मंजूरे खुदा होगा, घटेगा तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा ना, माइनस में आएगा, यही तो आएगा ना, ये हो गया आंसर। नोट कर लो जल्दी से, छाप लो फटाफट, देर नहीं करना, नकल करते रहिए ना, अकल लगाते रहिए फटाफट। अगला सवाल देखना, नेक्स्ट सवाल देखना। प्रिय साथियों, हमारी कोशिश होती है दिन प्रतिदिन आपकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। सिर्फ एक बार, मात्र एक बार 6 महीने के लिए 549 रुपया जमा करना, यार 100 रुपया महीना से भी कम हुआ। कहीं कोचिंग करोगे ऑफलाइन, रोज 5 5 रुपया किराया दोगे, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं तो 10 15 जरूर लगेगा, कम से कम महीने भर में 300 400 रुपये किराया दे दोगे केवल ऑटो का। तो जाओगे पढ़ने तो क्या फ्री में पढ़ेंगे, यहाँ जो सुविधाएं आपको मैनेज करना पड़ता है, जो देना पड़ता है, उसमें भी तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है ना बाबू, अकेले तो हम रोबोट हैं नहीं जो कर लेते हैं, हमारे साथ और भी आपके मित्रगण लोग काम करते हैं, वो लोग भी तो कुछ करते हैं ना, उनको भी तो कुछ चाहिए। तो आप लोग इन बातों को समझें और क्लास को ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। चलिए, और हाँ, लाइफ में और ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक ना, कि बहुत सारा टारगेट नहीं, बस केवल पढ़ाने वाला ही टारगेट है, इसलिए आपने देखा होगा कि हम और कुछ नहीं करते हैं, आपके सामने ही रहते हैं, जहां भी जाते हैं आपको दिखाते हैं। -1 का पावर 49 डिवाइड बाई -1 का पावर, ये देखो डिवाइड बाई मतलब भाग है, -1 का पावर 25। अब कह रहा इसका मान क्या होगा, हे भगवान का होगा, बड़ा झंझट वाला सवाल है, यहाँ पर भाग लगा, यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर माइनस लगा, अब क्या होगा बताइए। आप लोग हिंदी भोजपुरी समझते हैं ना, अरे जी कमेंट भी करते रहना, अभी तो जो इस समय प्राइमर वीडियो कर देते हैं यार, गड़बड़ हो जाता है, मैं प्राइमर नहीं करूँगा कभी वीडियो को, क्योंकि 2 मिनट तो पहले ये झंझट करता है, फिर बाद में प्राइमर हो जाता है, मज़ा नहीं आता है, अब केवल पब्लिश होगा बस। लाइव भी आपको मिलेगा, याद रखना लाइव के लिए टेंशन मत लेना, लाइव में हम पढ़ाते हैं तो झंझट ये हो जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ पाती, वही तो मैं सोच रहा हूँ प्रोजेक्टर आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाए, फिर तो मज़े मज़े ही हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो करो ना, थोड़ा सहयोग तो करो। चलिए, यहाँ पे क्या लगा है, भाग का चिन्ह लगा है, भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, घट जाती है ना। एक बात इधर देखना,
अगर हमने आपको ऐसे कहा होता कि 3 का घात 49 है और ये 3 का घात 25 है, तो इसको आप बड़े ही प्यार से कर लेते, वो क्या कर लेते, वो ये कर लेते कि 3 का घात 49 माइनस 25 कर लेते, घटा लेते तो 3 का घात लगभग 24 आता ना। और एक बात देखना, इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, डिवाइड बाई का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर है, देखना एक दूसरे के ऊपर है। अभी यहाँ पर समझ लो अच्छे से, अच्छे से समझ लो, देखना। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि 9 और ये भागे क्या है, 3 है ना, इसका मतलब हुआ कि 9/3, यही हुआ ना। वैसे अगर मैं बोलूँ कि -9/-3, इसका मतलब हुआ -9/-3। अब नीचे माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा, गड़बड़ ये हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसी तरह से ये जो है ये हो जाएगा -1/49 और ये हो जाएगा -1/25, तो क्या ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो सकता है बिल्कुल। इसमें आप चाहो तो माइनस एक कॉमन ले लो बाहर से, तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला करके बात ख़त्म। ये जो है माइनस वो हो जाएगा प्लस, ठीक ना। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी या कोई सुझाव राय होगा तो आप ज़रूर बताना, ठीक ना। तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये फाइनल में बचेगा 1 का घात 49 और भाग करने पर घात घट जाती है, हो जाएगा 25 और 1 का घात हो जाएगा 24 और लास्ट में 1 आ जाएगा। बात समझ में आई ना, बहुत आसान आसान सवाल है लेकिन आपको समझने में देरी है बस। अगर आप समझ जाओगे ना तो हीरो बन जाओगे। और हाँ, सवाल नोट कर लेना, होमवर्क के लिए भी घर से भी कुछ करते रहना, वैसे मत बैठना खाली बुद्धू की तरह, कुछ ना कुछ करते रहना, टाइम हो रहा ढेर सारा। चलो ठीक है, 6वां 7वां 8वां लिख लो और आगे सवाल जल्दी करिए, फटाफट मिटाते रहिए। देखिए ये मार्कर जो है ना, कभी कभी कुछ गड़बड़ इंक मिल जाती है यार, मिटाने में बहुत मेहनत लगती है। मेहनत मतलब जान रहे हो, हाथ से ही मिटाना है, लेकिन आदत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले की आदत दूसरी थी, आप लोगों में से कितने लोगों ने वो किया है, क्या बोलते हैं वो मशीन चारा बालने वाली, काटा है। पहले कोयर काटा जाता था घर पे, बहुत ढेर सारा करता था, पसीने होते थे, फिर हाथ से कुछ भी करो बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं होता था, काम होता था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर बोर्ड में कस के मिटाना भी है ना, दिक्कत होती है, होता है वक्त के साथ साथ। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 × 5 का स्क्वायर + 5 × 4 का स्क्वायर, 5 × 4 का स्क्वायर का मान बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कुछ करोगे भी कि हम ही छाप देंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो, 4/9, 4/9, 4/9, 3, 4, 5। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, का बोल दिया भाई, यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर भाग था, यहाँ पर का था, 5 घात था, 4 था और 3 था, यही तो मैं बोला था ना, बताओ इसका मान। एक और है उसको भी लिख लो लगे हाथ, 64 का घात -2/3। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 64 का घात -2/3 इसका मान बताइए, क्या करिए, मान बताइए, जल्दी करिए, फटाफट करिए। और 6 बजे सुबह उठ जाया करिए सो करके। मैं सितंबर 2019 की अपडेट बता रहा हूँ, डीएलएड की जो थर्ड सेमेस्टर की क्लास होती है सोमवार मंगलवार और बुधवार को सुबह 6 बजे से होती है। अब हम आपको लाइव भी देंगे सुबह के टाइम में, देखना ठीक ना। नोट करिए, जल्दी करिए, हो गया ना, ये सभी होमवर्क हैं आप लोगों के लिए घर के लिए। याद रखना क्लास 10 मिनट की होगी, तो ये मत सोचना 10 मिनट में क्या पढ़ाएंगे, 10 मिनट में इतना कुछ पढ़ा देंगे ना कि आप 10 घंटे नहीं पढ़ोगे तब वो ख़त्म नहीं होगा वो, ठीक ना, मतलब 10 घंटे पढ़ोगे तब। अब ये सब करना, इसी तरह का अभी हम आपको और ढेर सारा सवाल दे देंगे, उनको घर से करते रहना, नोट कर लो पहले। ये व्हाट्सअप नंबर बहुत ज़रूरी नंबर है, ये बहुत लकी नंबर है, 9793488448, ये नंबर लिया था जब मैं 10th में था तो पता है काहे ले लिया था, हमारी एक बहुत बड़ी शौक थी नंबर लेने की,
और पता है एक बात, मैं आपको बता दूं अपना सीक्रेट जो कि किसी से बताता नहीं हूँ। जब हम 12th में पढ़ते थे तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज वाले आते थे वहाँ पर क्या करने, बीटेक और बीबीए एमबीए वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने आते थे। तो बहुत बार लेटर भी आया हुआ है, उन लोग की बहुत सारी कॉल आती थी बाद में कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, आप आइए लखनऊ में करवा लीजिए, इलाहाबाद में, दिल्ली में, बहुत जगह बहुत से कॉलेज होते थे। तो मैं उनके नंबर देखता था बस, जो कॉल करते थे उनका नंबर कैसे है, वो इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, कैसा है उनका नंबर बस, बाकी मुझे एडमिशन से कोई मतलब नहीं था चूँकि मुझे वो करना ही नहीं था। तो और फिर मैं उन्हीं का देखी देखा जा करके मैं नंबर लेके आया जो एकदम सेम टू सेम नंबर हो, एक जैसा हो। तब मैं 10th में था। उसके बाद फिर बस देखिए आज आप लोगों के काम का ये नंबर हो गया ना, और आज लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स ने इस नंबर को सेव करके रखा हुआ है। सब्सक्राइब मात्र 1 लाख लोगों ने किया पीवीआर स्टडी इलाहाबाद को, पीवीआर स्टडी ग्रुप, पीवीआर स्टडी ग्रुप का दूसरा चैनल मैथ आसान है, पीवीआर स्टडी ब्लॉग, सभी चैनल को मिला करके लगभग 2 से अधिक लाख स्टूडेंट है ना। हाँ तो और क्या बताने वाले थे, थोड़ा सा और होमवर्क लिख लो आप लोग, ये बकैती यहीं पर ख़त्म हो गई, इसको नोट कर लिए होंगे तो कितना हुआ, 3 चौथा सवाल लिखो, ये सभी होमवर्क करना ज़रूर। 2 की घात 7 × 2 की घात 9 × 2 की घात 2, 5वां सवाल लिखना, 12 की घात 7 / 12 की घात 3, 6वां सवाल लिखना, 48 का घात 5 + 3 + 9 को विस्तार करिए। विस्तार करिए मतलब ये कैसे था, रहा होगा तो क्या आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो जल्दी से, 2/7 / 2/7 / 2/7 को घात रूप में लिखो, घात रूप में लिखो। 8वां नंबर, -2/8 का मान बताओ। 9वां नंबर लिख लो चुपके से जल्दी से, 10वां नंबर भी आ जाए जिससे, ये लिख लो, 12/4 + 9 - 2 × 7 बोर्ड मास रूल। एक और लिख लेना, 144 + 19 + 7, 19 + 7 कितना हो जाएगा जी, 26, हाँ 26 × 7 + 9। देखिए सवाल को सोच समझ के देना होता, अन्यथा हल नहीं होता है, तो बाद में आप लोग गाली ये देंगे और क्या करेंगे, है ना। देखो ऐसे काहले बोलते हैं, देखो गाली देने का मतलब ये नहीं कि आप लोग गाली देना, मतलब बुरा भला सोचेंगे हमारे बारे में और क्या कहें, याद करेंगे। नोट कर लीजिए, हो गया ना, जिन लोगों को क्लास करना है, डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, कोई डाउट वगैरह है तो क्लियर करना है, वो लोग क्लास को ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें, और 549 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जिन लोगों को लग रहा है बहुत पैसा लूट रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, भाई नहीं करना मुझे, तो वो लोग माफ़ करेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए यूट्यूब पर, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करके लाइक करिए, आप बहुत सारी क्लास ऐसे भी पाते रहेंगे मुफ्त वाली, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर पूरा पढ़ना है, अच्छे से देखना है, तो आप इसको कर लीजिए, जिससे कि आपकी क्लास रोज़ मिले, आपको कंप्लीट हो जाए। चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों ने इतना देर तक हमें देखा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगली क्लास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। चलते चलते याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमेंट करके बताना ये पंक्तियाँ कौन लिखा था हिंदी में, कमेंट ज़रूर करना।